हाय दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग बना रहे हैं आलूओं के पापड़। तो जो कच्चे आलू थे ना, तो उनको सबसे पहले उबेल लेते हैं। उबेलने के बाद फिर उनको छीलेंगे। फिर छीलने के बाद उनको एक सलोट पर तो पीसेंगे, अच्छा सा पीस के चटनी की तरह। फिर उनको एक जगह इकट्ठा रख के उसमें पिसी हुई धनिया, पिसी हुई मिर्च और पिसा हुआ नमक ये सब डाल के, और उसमें जीरा डाल के इनको अच्छा सा आटा की तरह मार लेंगे। मारने के बाद उसके बनाएंगे फिर लोरी, इस तरह से लोरी बना के फिर बनाएंगे आलूओं के पापड़। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़। सबसे पहले आलूओं को हमने उबल के चढ़ा दिया है, और उबलने के बाद उनको हमने छील लिया है। छील के हमने मार लिया है। मारने के बाद हमने उसमें मिर्च मसाला डाल के और अच्छे से मार लिया है। देखिए अब इस तरह से करके हम बनाएंगे आलू के पापड़, और आप लोग देखिए आलू के पापड़ हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बोरी पे आटा डाल लेते हैं ताकि हमारे ये पापड़ चिपके नहीं। थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं आटे को, और हमने आटा को डाल दिया है। तो फिर दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं पापड़। तो देखिए दोस्तों, ये मड़े हुए आलू की हम सबसे पहले लोई बनाते हैं। हम लोई बनाना स्टार्ट करते हैं, और लोई को हमने बना लिया है। और अब हम ये पन्नी है, जो पन्नी हमने बिछाई हुई है, इस पन्नी पे रखते हैं लोई को, और थोड़ा सा हम उस पर तेल लगाते हैं। ऐसे करके तेल लगाते हैं, और हमने तेल को भी लगा दिया है। तो फिर देखिए दोस्तों, अब हम ये दूसरी पन्नी है जो हम इस पर रख देंगे। जैसे कि जिसको हाथ से बनाना हो तो वो हाथ से बना सकते हैं, और नहीं तो हमने टिफिन लिया है, हम टिफिन से ऐड कर देंगे। क्या तो दे जब उठा सकिए। तो फिर देखिए दोस्तों, अब हम पन्नी, ऊपर वाली पन्नी को उठाते हैं और देखते हैं पापड़ कैसा बना हुआ हमारा। तो हमने पन्नी को उठा लिया है, और हमने पन्नी को इस साइड रख दिया। अब यही बन गया मेरा पापड़। देखिए दोस्तों, ये है पापड़। अब हम इसको इस बोरी पे रख देते हैं। तो हमने उसको रख दिया है। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा प्यारा हमारा पापड़ है। फिर दूसरा पापड़ बनाते हैं हम, उसको भी ऐसे ही करके तेल लगाते हैं। तेल को हमने लगा लिया है, और ये पन्नी है, इसको हम इस पे रख देते हैं, और इस टिफिन के जरिए हम पापड़ को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पापड़ बनके तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, हमने पापड़ बना लिया है। ऐसे करके हम सारे पापड़ों को बनाएंगे।
तो दोस्तों देखिए पिंकी ने इतने सारे पापड़ बना लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी रखे हुए हैं। तो इतने सारे पापड़ बना लिए हैं, देखिए यहाँ पर भी रखे हुए हैं। और ये बरी बनाई हुई थी, तो देखिए बरी भी बना ली हैं। देखिए दोस्तों ये आलू की बरी ही बनाई थी, तो बरी को ही बना लिया है, देख सकते हैं आप लोग, ये बरी हैं। और ये पापड़ बना लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे पापड़ बना लिए, यहाँ पर भी रखे हुए हैं सूखने के लिए। तो अच्छे से सूख जाएंगे, फिर इनको तेल में वो निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलते हैं फटाफट। तो सूख जाएंगे फिर निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम गैस को चालू कर लेते हैं और पापड़ों को काटते हैं। गैस को चालू कर लेते हैं, गैस चालू तो फिर हमने गैस को चालू कर लिया और कढ़ाइया को हम गैस पर रख देते हैं। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं, गर्म होने के बाद हम उसमें तेल डालेंगे और फिर पापड़ों को तलेंगे, फिर खाएंगे। फिर दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी, हम उसमें तेल डालेंगे। देखिए दोस्तों हमने तेल को कढ़ाई में डाल दिया है। देखिए दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम उसमें अब पापड़ को डालते हैं। तो देखिए दोस्तों पिंकी निकाल रही है गरमा गरम पापड़। पापड़ को निकाल लिया है, तेल में तल लिया है और हम अब खाएंगे। और साथ में हमने ये है जो चिप्स हैं इनको भी निकाल लिया है, तो हम दोनों को खाएंगे, चिप्स और पापड़। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना।